टूट के वो जो कांच के कर्ण नहीं होते वो अंदर घुस गए हैं आपके। दिखो हाँ वही है। अरे यार ये कांच हम निकाल रहे हैं, नाखून से निकालने का ट्राई कर रहे हैं। दवाई लगा रखी है इसमें बीटाडीन। दर्द हो रहा क्या भाई? 9:30 हो गया उठने में आज। एंड बाहर आई है मस्त धूप, आई थिंक वही धूप नहीं आई भाई, छाया है तो, लेकिन आसमान साफ है, धूप आ जाएगी। ये देखो बहुत दिनों बाद ये नज़ारा दिखा रहा मैं आपको। वेलकम बैक टू NCR है ना? नहीं हो, चलो 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 चलो, ये अलग है, तैयार है सोच बाहर जाने के लिए। गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है, एकदम फिट, नींद भी आई तगड़ी वाली। कोई नहीं है, वो घुमाने आया था नीचे एंड मस्त धूप आ गई। पहले तो छाया हो रखी थी, मस्त धूप आ गई है वो भाई। वैसे मैंने सोचा था कि कल से जाऊंगा वॉक करने, बट चलो नियो आज बोल रहा था, मतलब नियो को वॉक सॉरी नियो को घुमाने लेके आना था नीचे, मैंने कहा हम भी एक ग्राउंड वॉक कर लेते हैं, बस एक ग्राउंड वॉक कर लेते हैं। एंड भाई आज से ना अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना भी शुरू, चलो उस बारे में बाद में बात करेंगे घर जाके, अभी पहले अपन वॉक कर लेते हैं। मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है भाई, प्रॉपर वॉक करने वाला मौसम हो रहा है नियो भाई। वापस ना अपनी सोसाइटी में आके वॉक करने बहुत मज़ा आ रहा है ना, थोड़ा हवा साफ नहीं है पॉल्यूशन में, सांस भी नहीं ले जा रही ठीक से, बट मज़ा बहुत आता है। ये देखो आसमान के रंग देखो, इसको देखो, ये वहाँ गांव में मस्त दौड़ रहा था, यहाँ के बेचारा लीच के साथ चल रहा है, ट्राई तो कर रहा है खींचने का बहुत, लेकिन मैं खींचने नहीं दे रहा इसको। तो मस्त घूम लिया, टावर आ गया अपना, चलो नियो। गुड मॉर्निंग भैया। भाई अपना जो वर्कआउट वगैरह का सीन है वो एकदम से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे ठीक है, आज तो मतलब मैं आज सोया हूँ अच्छे से, बट स्टिल मेरे को ना बहुत थकान सी भी लग रही है, चल के हम ब्रेकफास्ट करते हैं ठीक है। एंड आज से शुरू होगा हमारा डिटॉक्स माय बॉडी वाला चैलेंज। ओके तो पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, पापा की प्लेट तो लग गई है, हमारी भी ला दो। ये आ गई अपनी प्लेट ब्रेकफास्ट की, रोटी है, अच्छा एक ऑमलेट भी है, व्हाइट बटर ले ले, कद्दू की सब्जी है, साथ में ब्रोकली, बटर बुटर कुछ नहीं खाऊंगा भैया मैं, प्लीज माफ करो ना ना, प्लीज डिटॉक्स करनी है बॉडी। चलो भाई खा लेते हैं हम मस्त ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सुबह सुबह आज। सो गाइस सही बैठ गए ब्रेकफास्ट करने, मैं तो कर चुका हूँ एंड न्यू यहाँ बैठा, न्यू को ना मैं अपने हाथ से अंडा खिला रहा हूँ ठीक है, तोड़ तोड़ के, अभी मैंने इसको पूरी ब्रोकली खिलाई क्योंकि मैंने ब्रोकली खाई नहीं तो मेरी बची हुई ये खा गया। ये देखो मस्त करके खा रहा है, चलो कैमरा रख देता हूँ क्योंकि ना हम दोनों मैं प्लेट झूठी नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों हाथों का यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। पापा अभी फिजियोथेरेपी करा के आए हैं। अमरूद, हाँ कल मैं देख रहा था अमरूद खाना चाहिए था डेली, इससे ना आर्टरीज का वो अच्छा होता है, फ्लो अच्छा होता है, हाइब्रिड वाला ही है, विटामिन सी होता है ना इसमें। इस टाइम हो गया वापस अपने टेबल पे बैठने का, मस्त बैठ के ऑफिस करेंगे, थोड़ा झाड़ वाड़ लेते हैं, बहुत ना धूल वूल हो रही है इसमें, बहुत धूल लकड़ हो रही है देखो है ना, थोड़ा झाड़ लेते हैं इसको उसमें बैठने से पहले। विक्की 7 ही घंटा सो रहा है देखो, बेडॉल बेडॉल शरीर हो रहा है तेरा। नमस्ते भैया, नमस्ते भैंस, तेरा हो रहा है बेडॉल शरीर, तेरे को भैंस वाला वीडियो भेजा था ना, ले लो देखो मम्मी यार मम्मी विके क्या क्यों इस टाइप की बात है क्या विके, तेरे को जिसको जो जैसा उसको वही तो बोलूंगी। सो गाइस नाउ वाके हमने कर लिया चेंज एंड भाई मैं ऑफिस में पहले ऑफिस ही कर रहा था मैं, बीच में थोड़ा सा लंच टाइम में थोड़ा सा ब्रेक लेके हमने चेंज कर लिया, मतलब नहाया वाया चेंज कर लिया भाई, कल ट्रैवल करके आए, नहाना बहुत जरूरी था। वैसे तो कल भी हम वहाँ से नहा के आए थे भाई पुरंदा के, वहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट स्टिल थोड़ा फ्रेशनेस के लिए है ना नहाना जरूरी है। एंड गाइस आज मंडे है तो हम ऑफिस का भी काम कर रहे हैं बहुत सारा। एंड गाइस आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि भाई मैं कुछ टफ डिसीजन लेने वाला हूँ अपने अपनी इसके बारे में, मतलब लाइफ के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में अपनी ठीक है। तो पहले लंच कर लेते हैं उसके बाद आराम से बात करेंगे ठीक है, वैसे आज का दिन भाई काफ़ी बिजी जाने वाला है तो, बट लेकिन थोड़ा पहले अभी लंच कर लेते हैं उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि घर वाले वेट करना फिर सुनाएंगे पीछे से तो अच्छा नहीं लगेगा, तो चल चलो चल के लंच कर लेते हैं। यस गाइस बैठ गया लंच करने, ये लग गई अपनी प्लेट मस्त करके, दाल चावल और बैगन की सब्जी बनी है एंड साथ में हम खाएंगे भाई देखो अदरक का चार, भाई इतना टेस्टी होता है ना अदरक का चार, जरूर ट्राई करना, अगर ट्राई नहीं किया तो। मतलब मैं ना अचार खाना पसंद भी नहीं करता, फिर भी अदरक का चार मिर्ची का अचार और साथ में दाल चावल का तो और मस्त होता है, और मिर्ची का अचार तो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत बेकार होता है। अपनी अपनी चॉइस है, मेरे को नहीं पसंद, तुम पसंद है,
मिर्ची का अचार तो बहुत ही टेस्टी होता है गाइस, मिर्ची का अचार। और देखो ये भाई साहब आंसू रखे हैं, अचार सब बेकार ही होते हैं, पापा खाते हैं सब बेकार होते हैं। मम्मी इसमें सादा आप लोग ना, कितना बड़ा मिर्ची का अचार खा रही हो कोमल तुम, मतलब वो कर लेंगे ना इसी से। हाँ पापा लोग ठीक है, हम तो भाई खाएंगे अदरक का अचार। कौन सा अचार खाओगे पापा? हैं जिंजर का अच्छा होता है कह रहा है। बहुत खाया है इन्हें भी, अच्छा होता है कह रहा है। अदरक और उसका ना लहसुन का भी ना, ये रहा भाई, ये ना प्रॉपर पेस्ट होता है, मतलब इसमें कुछ वो नहीं रहता ना, ये मुझे पराठा अच्छा लगता है, तभी अच्छा लगता है। चलो हम कर लेते हैं लंच, इंजॉय कर लेते हैं मस्त करके। भाई वो देखो उधर कुछ बन रहा था ना, बन रहा है अभी, कंस्ट्रक्शन बढ़ गया, तो मैंने कहा दिखाए थे भाई कंस्ट्रक्शन अपडेट। तो भाई सब चाय पीने बैठ गए हैं एंड आज से हम पियेंगे फीकी चाय। मेरी कहाँ चाय ये ना, अच्छा आज से हम पियेंगे फीकी चाय, क्योंकि हमने चीनी अपनी ज़िंदगी से त्याग दी है, मतलब मैं शुगर भाई बिल्कुल बंद, चीनी चाय पियो कॉफ़ी पियो कुछ भी खाओ पियो विदाउट शुगर वाला, ठीक है। और ये बिस्कुट भी नहीं खाऊंगा मैं, नहीं ये नहीं, मैं नहीं खाऊंगा मम्मा। क्यों कौन खाओगे? क्योंकि ये मीठा है, मैं शुगर त्याग दिया मैंने बोला तो। भाई तुम जो चाय पियेंगे आज हम पियेंगे गुड़ के साथ, इतना नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के खाऊंगा इसका, जितना आपको दिख रहा है ना इसका मैं 1/4 खाऊंगा बस, इस चाय एक कप चाय के साथ मस्त करके। अब चाय पी लेते हैं, अपनी शाम भी हो गई है ठीक है। एंड मम्मी लोग देख रहे हैं आजकल परशुराम, नया इन लोगों का नया कंटेंट, चलो हम भी देख लेते हैं। सो गाइस शाम के 7 बजने वाले हैं, 7:10 है एंड हम करें अपना डिनर, मस्त भिंडी रोटी एंड साथ में एक कटोरी दही, क्योंकि भाई बाद में अपनी मीटिंग चालू हो जाएगी तो हम टाइम से पहले डिनर कर लेते हैं। चलो क्या हुआ क्या हुआ? मैंने इसमें वो कांच वाला वो पहना था ना, हाँ। कंगन पहना था तो नियो ने खींचा तो ना वो टूट गया, टूट के वो जो कांच के कर्ण नहीं होते वो अंदर घुस गए हाथ से, देखो हाँ वो ये, अरे यार इधर इधर ये देखो नियो तेरे उल्टे काम हो गया यार बहुत। अरे नहीं उसको नहीं पता था, उसने ऐसे खींचा तो वो हो गया गलती से। चलो दवाई लगाओ उसमें जल्दी दवाई। हाँ मैं इसको पहले ना शीशे निकाल लेती हूँ, ठीक है देखो जरा जाके, नहीं तो मम्मी लोगों को फोन करो जल्दी, ठीक है। सो गाइस अभी कोमल के हाथ में गड़े हुए कांच हम निकाल रहे हैं, नाखून से निकालने का ट्राई कर रहे हैं, वो देखो भाई साहब मस्त सो गए चोट वोट लगा के, दूसरों को घायल करके सो जाता है देखो, ऐसे देखो देखो ऐसा नहीं करता ऐसा। सो गाइस ये है अपडेट, दवाई लगा रखी है इसमें बीटाडीन, दर्द हो रहा क्या? नहीं नहीं, कोमल हुई घायल, चलो कोई नहीं ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हुई, थोड़ा सा खरोच लगी बस, थोड़ी खरोच आई, चूड़ी टूट गई एक्चुअली इसकी, इसलिए आ गई खरोच। सो गाइस 10 से ऊपर हो गया समय, ठीक है अभी हम धीरे धीरे थोड़ा फ्री होने लगे हैं अपने ऑफिस के काम से। एंड गाइस आज ऑफिस थोड़ा हैक्टिक था, अब ऑफिस ना कुछ दिन भाई है ऐसे ही हैक्टिक होने वाला, बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने वाला ऑफिस ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे, बट अच्छी बात भाई अच्छी बात है, काम हमेशा बढ़ते रहना चाहिए इंसान का, राइट ओके। सो गाइस फिलहाल सीन ये है कि भाई आज हम थोड़ा बिजी थे ऑफिस में, ठीक है आपसे ज़्यादा बात हो नहीं पाई, एंड सेकेंड थिंग ये भी भाई शाम को कोमल को लग गई चोट तो दिमाग की दही हो गई, वैसे इतना कुछ ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, खरोंचे ही थी वो, बट थोड़ा ना ब्लड देख के ना मेरे को अजीब सा लगता है, समझ रहे हो, थोड़ा डर लग जाता है, ये है मेन थिंग ओके। हाँ चलिए सो गाइस फिलहाल बात करते हैं आज से, भाई ये सीन ये है कि मैंने ये सोचा है भाई अपन घूमते फिरते रहते हैं ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एकदम डाइट वाला खाएं ना, तो एकदम से तो नहीं हो सकता क्योंकि बाहर जाते ही वो सारी चीज़ें अवेलेबल होती नहीं हर जगह, ठीक है ऊपर से आप फिर किसी के वहाँ जा रहे हो अपने रिलेटिव्स के वहाँ जा रहे हो तो भाई वो प्यार से खिलाते हैं खाना, तो मना भी नहीं कर सकते, बट वी कैन डू वन थिंग, हम कुछ हेल्दी आदतें अपना सकते हैं जिससे हमारा जो बाहर जाके हम एकदम से अनहेल्दी खाना चालू करते हैं ना, लाओ जो मिल रहा वो मुटाला, वो चीज़ नहीं करनी है ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये है, सबसे पहली चीज़ भाई मैं शुगर बिल्कुल छोड़ रहा हूँ, शुगर मेरे को बिल्कुल लेनी ही नहीं है ठीक है, बहुत हद हो गई, मतलब किसी का बर्थडे वड्डे हो गया तो केक थोड़ा सा टेस्ट कर लिया इस टाइप का, ना मिठाई ना कुछ शुगर से रिलेटेड कुछ भी मैं नहीं लूँगा, कोई शुगरी ड्रिंक नहीं लूँगा, मतलब कि चाय कॉफ़ी विदाउट शुगर लूँगा अगर पीनी है तो, शाम को चाय पी विदाउट शुगर, इस टाइप से रहेगा मेरे अब से आज से ठीक है। आज ही मैंने चाय शाम को एक ही बार मैंने चाय पी हो गई विदाउट शुगर पी, तो ये सीन है, शुगर मैंने बिल्कुल बंद कर दी है, साथ में बाहर से ऑयली चीज़ें जितनी भी होती हैं डीप फ्राइड वगैरह ये सारी चीज़ें बिल्कुल टोटली बंद ठीक है, क्योंकि भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी नहीं, इस वजह से ना वैसे वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया भाई, मेरा वेट ना बिलीव नहीं करोगे 78 हो गया,
मेरा वेट, मैं इतनी पहले मैंने इतनी मुश्किल से भाई मैंने एक साल लग के मैंने कम किया और 68 किया था, फिर धीरे धीरे बड़ा 70-72 मैंने, चलो भाई सही है 70-72 ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 78, अब कभी किसी किसी टाइम पर सुई में 80 ना दिखा दे इस बात में डर लगता है मेरे को, तो इसलिए अपने को धीरे धीरे ये चीज़ें मुझे अपने में इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी ठीक है। फिलहाल चीनी भी नहीं है और ये बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया है ठीक है, अब बाकी आने वाले दिनों आप देखोगे मैं और भी चीज धीरे धीरे चेंजेस लाऊंगा ओके। चलो अभी चलते हैं बाहर एंड देखते हैं कोमल फैम के क्या हाल है। चलो कैसी हो कोमल? ठीक है छोटे दिखो ठीक है ना, दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा? ना ना फाइन, चलो ठीक है बढ़िया। हाँ भाई कैसा लग रहा है चोट लगाने के बाद? उसको पता नहीं चला। मेरा बच्चा, ये बेचारा क्या करेगा, तो बेजुबान है, इसको थोड़ी पता है, बट इसको पता है कि कुछ चोट वोट लग गई तो बार बार आ रहा प्यार करने, प्यार करने आ रहा, परेशान भी हो रहा है वो, पापा को भी दिखा रहा है कि चोट लग गई करके। सो गाइस सारे काम खत्म हो चुके हैं, 11:30 बज चुके हैं, सोने में फटाफट अभी सोते हैं, इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, आपसे मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, देखते रहिए पीयूष के ब्लॉग्स।